हेलो शिवान, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक और सेहतमंद होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मशरूम की सब्ज़ी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है, और आप मेरे अंदाज़ में एक बार आपके घर में ज़रूर बनाइए ये रेसिपी, और कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो पहले यहाँ पर मैंने कढ़ाई गरम कर ली है, और कढ़ाई गरम हो जाने के बाद यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल 4 चम्मच जितना डाल देती हूँ। और तेल गरम हो जाने के बाद यहाँ पर 1 चम्मच जीरा डाल देती हूँ, और बारीक कटा हुआ प्याज, और बीच बीच में प्याज को चलाते रहना है थोड़ा सा कलर आ जाने तक। तो कुछ समय बाद देख सकते हैं प्याज थोड़ा सा कलर आ चुका है। तो अब यहाँ पर जिंजर गार्लिक का पेस्ट 2 चम्मच डाल देती हूँ, और इसे भी थोड़ी देर के लिए भूनना है। तो देख सकते हैं मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी अच्छी तरह से भून लिया है। तो यहाँ पर अब टमाटर प्यूरी भी डाल देती हूँ, ये 4 टमाटर है, और थोड़ा सा प्याज और मिर्च को मैंने सौते कर लिया था और उसका पेस्ट बना लिया था। तो इसे भी अच्छी तरह भूनना है मुझे। तो अब यहाँ पर 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच धनिया का पाउडर, और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, और 1 पैकेट चिकन मसाला भी डाल देती हूँ, और स्वाद अनुसार नमक, और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ, और इसे अच्छी तरह से भूनना है मुझे। तो ये देखिए, ऐसे ही बीच बीच में चलाते रहना है इन मसालों को, जब तक ये मसाला अच्छी तरह से भून नहीं जाता, बीच बीच में हम इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे। तो कुछ समय बाद देखिए मेरे मसाले सारे अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब यहाँ पर मैंने मशरूम को काट लिया था अच्छी तरह से धोकर, उसे भी डाल देती हूँ, और इसे भी अच्छी तरह मसालों में मिक्स कर लेती हूँ, और कुछ समय के लिए इसे ढककर छोड़ देती हूँ। मशरूम में पानी नहीं डालेंगे हम, वो अपने आप ही पानी निकल आएगा और वहीं और वैसे ही पक जाएगा। तो कुछ समय बाद देख लेते हैं ढक्कन हटाकर। तो ये देखिए कि इससे पानी थोड़ा सा आ चुका है। अब चला लेते हैं अच्छी तरह से, और इसे और 5-10 मिनट के लिए ढककर पका लेते हैं। तो कुछ समय बाद हम ढक्कन हटाकर देख लेते हैं। तो ये देखिए और अच्छा खासा पानी निकल आया है, थोड़ी सी चेक भी कर लेते हैं। तो ये अच्छी तरह से गल चुका है। तो अब हम इसे थोड़ी धीमी आंच कर लेते हैं, और कटे हुए धनिया के पत्ते भी डाल देती हूँ उसके ऊपर, और 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ। तो मशरूम की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है एवरीवन। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको मिलती हूँ और एक नए रेसिपी के साथ। तो तब तक बाय एवरीवन।